महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नागपुर शहर में वायु के साथ अन्य प्रदूषण को कम करने के लिए मनपा और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निरी एक साथ मिलकर काम करेंगे। संयुक्त प्रयासों से ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बना जा सकता है। सोमवार को तिवारी निरी पहुंचे और प्रदूषण पर अंकुश लगाने वाले उपक्रमों की जानकारी ली। शहर में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रयासरत है। महापौर ने कहा कि देश के कई शहरों में वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए निरी की सलाह ली जाती है। निरी नागपुर शहर की पर्यावरण रिपोर्ट भी तैयार करती है, इसलिए निरी की मदद लेकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। एनआईटी और महानगर पालिका के माध्यम से 30-35 सिटीज हम लोग एसपीपी छोटे छोटे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो पानी को पुनः स्वच्छ करके हम लोग नदी में छोड़ सके। ये सारा कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं महत्तम भूमिका निरी की है। निरी की सूचना पर ही हम यह सब काम करते हैं। निरी का हमें अधिकार हमेशा सहयोग मिलता है, आगे भी हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और शहर का पर्यावरण का जो स्तर है उसे सुधारने में देश के सामने एक नया हम लोग माइलस्टोन रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें निरी के माध्यम से हम लोग सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक प्रश्न थे जो शहर के बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट के मटेरियल है उसको लेकर के थे। हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं जिन्होंने नालों का स्वरूप ले लिया है उसमें भी हम लोग किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, बहुत विषय थे। हमारे यहाँ कुछ वेजिटेशन पान कांदा का होता है, उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, बहुत ही विषय थे। सारे विषयों पर भरपूर चर्चा हुई है और निरी के साथ में मिलकर के इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन करने के बाद इसे सर्वे रिपोर्ट से लेकर के सारे काम हम जो भी एग्जीक्यूट करेंगे निरी के नेतृत्व में करेंगे, इस प्रकार का हमने निर्णय लिया है। और आने वाले समय में नागपुर देश के लिए एक दिशा निर्देशक करे और भावना है। नागपुर देश का ऐसा पहला शहर है जिस शहर ने गंदे पानी को ट्रीट करके पावर जनरेशन के लिए दिया और देश का पहला प्रोजेक्ट नागपुर शहर के माध्यम से हुआ है। इतना ही नहीं, नागपुर शहर में हम हमारे कितना महानगर पालिका के माध्यम से चलने वाली शहरी वाहतूक व्यवस्था है संपूर्ण। कैमरा पर्सन राजकुमार बहोट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।